बिहार के महाराजगंज में नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है। वहीं आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे तक 15 से 35% मतदान हुआ। महाराजगंज नगर पंचायत चुनाव धीमे गति से शुरुआत के साथ शांतिपूर्वक हो रहा है। वहीं चुनाव में वोटिंग को लेकर प्रशासन लगातार सभी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है ताकि परिंदा भी पर न मार सके। वहीं नगर की नई सरकार के गठन पे काबिज होने के लिए मुख्य पार्षद प्रत्याशी भी धीमे मतदान को लेकर वोटों की अपील कर रहे हैं। वहीं चुनाव के दौरान नगर पंचायत के सभी 29 बूथों का भी अपने अपने तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं। सभी मुख्य पार्षद प्रत्याशी अपने वोटों को देकर अपनी अपनी जीत के प्रति अस्वस्थ नजर आ रहे हैं, संतुष्ट नजर आ रहे हैं। 1 बजे तक किसी किसी बूथ पर वोटों का प्रतिशत 15% से 35% का होना एक शोचनीय विषय बना हुआ है। अगर यही रेशियो रहा तो बूथों का प्रतिशत 50% कम होने से बड़ा उलटफेर हो सकता है, संभावना बन सकती है। महाराजगंज नगर पंचायत की जनता आज सभी वार्ड पार्षद, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद के भाग्य का फैसला वोट के जरिए ईवीएम में कैद हो जाएगा। मेरा विचार तो यही है कि गुप्त मतदान मीन्स यू वांट टू से जो पोलिंग होती है उसकी बात कर रहे ना। हाँ, जो सिस्टम बनाया गया वोट देने का, जी जरूरी है, अच्छा है, होना भी चाहिए, क्योंकि आप किसके पक्ष में हैं ये नहीं बताना चाहिए किसी को, क्योंकि इससे क्या होता है कि लोकल लेवल पे एक दुश्मनी पैदा हो जाती है, जिससे कि लोग जान जाते हैं कि मेरे पक्ष में किसने वोट किया नहीं किया, तो उनसे ईर्ष्या की भावना करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिस्टम काफ़ी अच्छा है। जो आज जो वोटिंग हो रही है, वोटिंग पीरियड में आप अपनी जीत के प्रति कितनी अस्वस्थ हैं और जनता को क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि वो जी सबसे पहले तो मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि वो इतने अच्छे से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, और मुझे जनता पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे भारी से भारी मतों से विजयी जरूर बनाएंगे। जो आज वो नगर पालिका का वोटिंग हो रहा है, उस वोटिंग में आप अपनी जीत के प्रति कितनी अस्वस्थ हैं और आपकी लड़ाई अभी वर्तमान में किससे चल रही है? हम तो अभी नहीं बता सकते हैं कि किससे लड़ाई चल रही है, लेकिन अपना अपना सब कोई अपना नसीब आजमा रहा है, उसमें मैं भी हूँ। तो अपनी जीत के प्रति आप कितनी अस्वस्थ हैं? अस्वस्थ हैं, जनता जो चुनेगी वही मैं अपना स्वीकार करूँगी। जनता को क्या संदेश देंगे आज के वोटिंग के दिन? क्या संदेश देंगे? जनता ही मेरी, जो जनता कहेगी उसी के अथी से हम चलेंगे। विकास होगा, विकास का लड़ाई हो रहा है, विकास होगा। नाली देख रहे हैं कि गली में कहीं भी नाली अथी हो रहा है, नाली, ये सब विकास करने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आप 12 साल करीब करीब आप पूर्व नगर अध्यक्ष रह चुकी हैं। हाँ जी बोलिए। तो उसका इस चुनाव में कितने फायदा मिलेगा? फायदा मिलेगा जो जनता मेरे काम के ऊपर है, अगर हम काम किए हैं तो जनता मुझे चुनेगी, हम अपने काम पर थी हैं। आज नगर पालिका का जो वोटिंग हो रहा है, उस वोटिंग में बहुत सारे 13 प्रत्याशी हैं, उस 13 प्रत्याशी में आज आपके विभाग का फैसला होने वाला है, और आप इस समय कहाँ पर हैं, किससे लड़ाई है और आपकी स्थिति क्या है? सर अभी तक तो जो हमारी स्थिति है वो बहुत अच्छी है, और जो मतलब जो भी मेरे नगर पालिका के जो महाराजगंज नगर पालिका के सब लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, सब अभी अच्छा चल रहा है। और इस आज वोटिंग पर क्या अपील करेंगे वोट के लिए? वोट के लिए मैं यही अपील करूँगी कि सब कोई मुझे आशीर्वाद दे, लोग वोटिंग करें, लोग